हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने कंसाइज मैथमेटिक्स के शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक्सरसाइज 3B लगाई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ लेडी होल्ड 1800 रुपीज़ 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी दैट पेज 15% डिविडेंड एनुअली। कैलकुलेट हर एनुअल डिविडेंड If she bought these shares at 40% premium, what is the return she gets as a percent on her investment? Give your answer to the nearest integer. ठीक है, तो इसमें क्या हमें पता है? नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं 1800, नॉमिनल वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज़, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है 15%, हमें मार्केट वैल्यू भी निकाल लेंगे इसे 40% से। आप बताइए 40% प्रीमियम पे है तो कितना मार्केट वैल्यू हुआ। मैं सॉल्व नहीं करूँगी इसको, आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हम लोग शेयर्स की निकालेंगे, फिर उसका डिविडेंड निकालेंगे, उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल के परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। नंबर ऑफ शेयर्स 1800, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर रुपीस 100, रेट ऑफ डिविडेंड 15% दिया है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर विल बी। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा कि कैसे निकला इसका वैल्यू। 40% प्रीमियम पे है शेयर, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू प्लीज नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये आपका हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, इस पर हम अपना एनुअल डिविडेंड निकाल लेंगे। एनुअल डिविडेंड इक्वल टू रुपीज 1,80,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 15 बाय 100। तो यहाँ पे आपका आया 18 इंटू 15। इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा 27,000। ठीक है, ये हमारा आया आपका एनुअल डिविडेंड। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था? टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितना आएगा? रुपीज 140 इंटू 1800। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 2,52,000। ये हमने इतना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, तो परसेंटेज रिटर्न कितना है यही पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में। तो परसेंटेज रिटर्न होता है, एनुअल फॉर्मूला याद है आपको कि भूल गए? एनुअल डिविडेंड इनटू हंड्रेड परसेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, तो कितना है 27,000 इनटू 100 अपॉन 2,52,000।
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.7%, और अगर और नियर करना चाहते हैं तो 11%, राउंड ऑफ अगर आप कर रहे हैं तो 11%, ये आपका आंसर हो गया। व्हाट इज द रिटर्न शी गेट्स एज अ परसेंट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, तो 10.7 ये अगर उसको राउंड अप कर रहे हैं तो 11%, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया।